एकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मनसे का आंदोलन, महंगाई कम करने की मांग। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संभाला पदभार, बने वायुसेना प्रमुख। और बुलढाणा में रविकांत तुपकर ने निकाला जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में गुरुवार को मोर्चा निकाला। इस दौरान मनसे ने बढ़ती महंगाई के सरकार को दोष देते हुए महंगाई कम करने की मांग की। खऱ्या अर्थाने तर ऍक्च्युअल ही पाळी याच्या अगोदर यायला हवी होती, कारण की ज्या ज्या वेळेला महाराष्ट्रावरती कुठेही जिथे कुठे अन्याय होतो, सगळ्यात पहिले तो आवाजाचा सूर जो उमटतो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा असतो। तो मग कुठल्याही प्रकारचा अन्याय असो, म्हणून आमच्या साहेबांनी आम्हाला संस्कार आणि जे मार्गदर्शन जे केलेलं आहे की जिथे अन्याय होत असेल तिथे माझ्या आदेशाची वाट नाकावर ताबडतोब तिथे लाद गेला। आज आम्ही एक प्रशासकीय आणि नियमात राहून या सगळ्या गोष्टींचं आम्ही पालन करून एक निवेदन आम्ही आज माननीय विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांना म्हणजे देतो आहे, त्यांच्या स्वाधीन करतो आहे की एक तर गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनामध्ये सगळे पूर्ण थंडावून गेले, सगळे पूर्ण विषय संपून गेले, म्हणजे नाहीच्या बरोबरीत जमा झालेले। त्याच्यानंतर ही दरवाढ जी आहे आणि ही दरवाढ तुम्ही एखाद्या महागड्या गोष्टीसाठी किंवा एखादा विशेष काही लक्झरियस बाब असेल तर त्या गोष्टीसाठी ठीक आहे, मान्य करू, पण ह्या रोजच्या जीवनावश्यक ज्या वस्तू आहेत, ज्या रोज सकाळीपासून संध्याकाळपर्यंत आपल्या विविध याच्यामध्ये सगळ्या कुटुंबाला गरज भासते, अशा गोष्टींची समजा तुम्ही भाव समजा इतके गगनाला भिडणारे समजा करून ठेवले असेल तर त्या लोकांनी खायचं काय, मरायचं काय? मग असं केल्यापेक्षा आम्हाला एखाद्या ठिकाणी सगळ्यांनी बोलवा, आमची सगळं सार्वजनिक हत्या करावं, आम्ही त्यासाठी तयार आहे। कशाला बिनाकामाचे सगळे डोंबरे चालवून ठेवलेले आहेत, रोजचे महागायचे याचे त्याचे। त्याच्यामुळे आज आम्ही प्रामाणिकपणे आम्ही आमचं एक निवेदन सादर करतो आहे आणि ह्या निवेदनावरती समजा त्यांनी योग्य त्या कारवाई किंवा जे काही समाजाला दिलासा किंवा नागरिकांना दिलासा जर दिला नाही तर याच्यापुढे आम्ही जे कोणी आमदार खासदार असतील सत्ताधारी या लोकांना रस्त्यात थांबवून आम्ही तोडू। निषेध मोर्चा यासाठी आहे, कारण की आता एवढी महागाई वाढून गेली आणि सगळ्यात जास्त फटका गृहिणींना बसतो आहे आणि त्या संदर्भामध्ये कसं आहे की बरेचशा आत्महत्या पण करत आहेत लोक, कारण की त्यांना पैसा नाही। कोविड काळामध्ये तसेच लोक खाली बसलेले, लोकांचे रोजगार गेलेले, लोक बेरोजगार झालेले आणि ही बेश्रम सरकार अशी आहे की काही आणखी दर वाढत आहे, पेट्रोलचे वाढले, सिलेंडरचे वाढले, आणखी बरेच अन्नधान्याचे रेट वाढलेले आहे आणि हे सगळे रेट वाढूनसुद्धा त्यांना अशी लाज वाटत नाही की बा आपण रेट दरवाढ कमी करावी आणि आपला जनतेला दिलासा द्यावा। नाही, हे आमचेच पैसे घेतात, आमच्याच टॅक्समधून पैसे, आमच्याच टॅक्समधून सगळं खातात, एन्जॉय करतात फर्स्ट क्लास आणि फक्त निवडणुकीपुरते जेव्हा इथे अधिवेशन होतं तेव्हा फक्त येतात, एन्जॉय करतात आणि जातात, बाकी निर्णय इथे कुठेच कोणाचे काही होत नाही आणि मुद्दे तसेच राहिले जातात। कोरोना काळामध्ये लोक इथे आरोग्य यंत्रणा याची व्यवस्थित नव्हती सर्व देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पुष्कळशे लोकांची जीव गेले, तेव्हाच म्हणजे आर्थिक लोकांचं भरपूर आर्थिक शारीरिक आणि मानसिक भरपूर नुकसान झालेलं आहे। त्याच्यानंतर सुद्धा ह्या पेट्रोल दरवाढीमुळे महिलांचा पूर्ण म्हणजे जे घरचं बजेट होतं आर्थिक बजेट ते पूर्ण विस्कळलेलं आहे। कुठेही यांनी वीज कमी केलेली नाही आहे, कुठेही यांनी टॅक्स कमी केलेला नाही आणि आता ही दरवाढीमुळे अख्खा म्हणजे आम्ही एवढा महिला याच्यामध्ये आला आहे गोत्यामध्ये की आता घर चालवायचं कसं, एवढं निर्लज्ज सरकार आम्ही आजपर्यंत पाहिलेलं नाही आणि जी स्मृती इराणी नेहमी सिलेंडर घेऊन फिरायची प्रत्येक वेळेस थोडस जरी तिथं नुसतं मोस्ट वॉन्टेडच झाले, दिसतच नाही आहे ते कुठे गेली तर गायबच झाली आहे। त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा असा नागरिकावर जेव्हा यांनी दिलासा द्यायला पाहिजे तेव्हा तेव्हा यांनी माघार घेतलेली आहे आणि आता दरवाढीमध्ये सुद्धा हे कुठलेही आमचे निवेदनावर निर्णय घेत नाही आहे, त्यामुळे हे महाराष्ट्र सरकार निर्लज्ज सरकार आहे आणि यांचं आम्ही महिला सर्व यांचा निषेध करतो। गुरुवार को
एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। वायुसेना मुख्यालय में आयोजित समारोह में उन्होंने सभी अधिकारियों के समक्ष पदभार ग्रहण किया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एनडीए के पूर्व छात्र सीएएस को दिसंबर 1982 में आईएएफ के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया था। उन्होंने कई लड़ाकू और प्रशिक्षक विमानों पर 3800 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। लगभग 4 दशकों के अपने करियर के दौरान सीएएस ने कई महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियों को किराए पर लिया है। उन्होंने 1 MiG-29 स्क्वाड्रन, 2 वायुसेना स्टेशनों और पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। उनकी स्टाफ नियुक्तियों में वायुसेना के उप प्रमुख, पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी, सहायक वायुसेना संचालन, वायुरक्षा, सहायक वायुसेना प्रमुख, कार्मिक अधिकारी, वायुसेना अकादमी के उप कमांडेंट और वायु सहायक शामिल है। वायुसेना प्रमुख ने 1 CAT, 1 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया है और वो एयरफोर्स एग्जामिनर भी रह चुके हैं। वह सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम के अग्रणी सदस्य भी थे। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र, उन्होंने वहाँ एक निर्देशन स्टाफ के रूप में भी काम किया है। साथ ही जाम्बिया में DSC SC में निदेशक स्टाफ के रूप में भी काम किया है। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले वह वायुसेना के उप प्रमुख थे। उन्हें CAS परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल प्राप्त है। उनकी विशेषता देखते हुए उन्हें वायुसेना प्रमुख के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वायुसेना प्रमुख बनते ही उन्हें सभी ओर से शुभकामनाएं दी गई। किसान संगठन नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। उनकी मांग है कि किसानों को फसल नुकसान भरपाई नहीं दी जाए, बल्कि नदी पात्र को गहरा कर किसानों को बाढ़ से बचाया जाए। बुल्ढाना शहर को जलापूर्ति करने वाले येलगांव बांध से ओवरफ्लो होने वाला पानी पैनगंगा नदी में जाकर किसानों के खेतों में घुसता है, जिस कारण फसल और खेतों का भी नुकसान होता है। इसलिए पैनगंगा नदी का पात्र बढ़ाकर किसानों को बाढ़ से बचाने की मांग किसान संगठन नेता रविकांत तुपकर ने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान भरपाई ना दे, बल्कि नदी का पात्र बड़ा किया जाए और येलगांव बांध को 5 गेट मानव निर्मित करने की मांग की। इन सभी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। येलगांव धरणाच्या खाली येलगांव गाँव है। या गावातले गावकरी लेकरा बाकरा सगट आया बहिणी सगळ्या या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आलेला आहे। त्यांची एकच मागणी आहे की येळगाव धरणाचे 5 गेट मानवनिर्मित करून ते कायमस्वरूपी उघडे ठेवा आणि नदीच्या काठची जी काही जमीन खरडून जाते, शेतीपिकांचं दरवर्षी नुकसान होतं, त्या नदीचं खोलीकरण करणं खूप महत्त्वाचं आहे। या शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की यावर्षीची आमची जी काही मिळणारी नुकसान भरपाई आहे ती शासनानं ठेवून घ्या आणि त्याच्यातून का होईना आमचं काही कॉन्ट्रिब्युशन घ्या आणि त्याच्यातून त्या नदीचं खोलीकरण करा, जेणेकरून आमचं परमनंट सोल्युशन त्याच्यामध्ये निघालं पाहिजे। व्याजानं पैसे काढून हे लोक शेती करतात, परंतु त्याच्यात यांच्या हातात काहीच लागत नाही। म्हणून संयमाचा बांध या शेतकऱ्यांचा आता तुटलेला आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही भेटलो आणि त्यांना हे सगळं समजावून सांगितलं। त्यांनी सगळ्या डिपार्टमेंटची बैठक घेऊन याच्यावर तातडीनं मार्ग काढण्याचं या ठिकाणी आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। दुसऱ्या काही येळगावच्या जवळपास 40 शेतकऱ्यांची मागणी आहे की आम्ही प्रकल्प येळगावच्या धरणासाठी जमीन दिली, पण त्यातली 50-60 एकर जमीन ही येळगावच्या धरणाच्या उपयोगात आलेली नाही आहे। ती जमीन 50 वर्षापासून हे शेतकरी वहिती करतात। शासनाचा एक नियम आहे, ज्या उद्देशासाठी शेतकऱ्यांची जमीन तुम्ही भूसंपादित केली, त्या जर त्या जमिनीचा ज्या उद्देशासाठी वापर नाही झाला तर ती जमीन शेतकऱ्यांना परत केली पाहिजे। 40-50 वर्षापासून त्या शेतीवर या शेतकऱ्यांचं पोट आहे। आता त्या ठिकाणी पर्यटनस्थळ नगरपालिकेला उभं करायचं आहे। जसं शेतकऱ्यांनी आत्ता सांगितलं की पर्यटनस्थळ उभं केलं नाही म्हणून कोणी आतापर्यंत मेलं नाही, परंतु ते पर्यटनस्थळ उभं करण्याच्या नावाखाली जर का शेतकऱ्यांच्या जमिनी तुम्ही जबरदस्ती घेणार असाल तर त्या शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही। म्हणून तातडीनं शेतकऱ्यांच्या संवेदनाचा भावनाचा विचार करून नगरपालिकेनं दुसऱ्या ठिकाणी ते पर्यटनस्थळ करावं, पण या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला धक्का लावू नये ही आमची सगळ्यांची मागणी आहे। मागणी एवढीच की नदीचं खोलीकरण झालं पाहिजे आणि सांडव्याचे दरवाजे 5 दरवाजे किंवा 4 दरवाजे कायमस्वरूपी उघडे राहिले पाहिजे, एवढंच आमची मागणी आहे। मागणी आमचं सोयाबीनी 4 वर्ष झाले, आम्हाला सोयाबीनीचा दाणासुद्धा दिसत नाही। घरून खर्च करतो, कर्ज काढून, पावसामुळे नुकसान भरपाई नाही दिली तरी चालेल। तो पैसा तुम्ही त्याच्यासाठी खर्च करा खोलीकरणाकरता। नुकसान भरपाईचं काही घेणं देणं नाही द्या। आमच्या म्हणणं एक जे आम्हाला जी नुकसान भरपाई दिली राहिली तीच आमची नदी खोलीकरणाच्या कामासाठी वापरा तुम्ही। लागलं तर आमच्याकडून घ्या, काय जे लागलं ते तुम्हाला जर मदत लागत असेल तर आमच्याकडून घ्या। आम्ही 1/2 एकर इकून तुम्हाला मदत द्यायला तयार आहे।
कारण की पिकूच नहीं राहिला काही तर काय खाणार आहे. आणि जर यावर्षी जर आमचं काम नाही झालं तर आम्ही तुम्हाला मीडिया समोर सांगू आलो की पुढ्या वर्षी आम्ही शेतकरी त्याच नदीत उड्या घेतल्याशिवाय राहणार नाही. त्यावेळी शेतकरी आमच्या जमिनी नदीकाठावर आहे. आमच्या नदीचं खोलीकरण काहीच नाही. नदी पूर्ण सपाट झालेली आहे. सांडव्याचं व्यवस्थित खोलीकरण झालेलं नाही. यांनी नगरपालिकेवाल्यांनी स्वयंचलित गेट बसवले. ते गेट एकाएकी उघडता पूर्ण पाणी एकदम बाहेर येतं. त्याच्यामुळं नदीच्या दोन्ही साईडनं अर्धा किलोमीटरपर्यंत जमिनीचं नुकसान होतं. सोयाबीनी सोंगाचं काम नाही. एक रुपयाचं उत्पन्न शेतकऱ्याला उन्नी राहिलं. दरवर्षी जमिनी खडून चालल्या. ट्रॅक्टरनं लेवल करणं चालूच आहे. धरणातलं माती आणून टाकणं चालूच आहे. पण काहीच नाही. आमचं एक रुपया बी आम्हाला उत्पन्न होऊन निघालं. पहिल्या सोयाबीनी वाहून चालल्या. मागणी आमची एकाच फक्त की सांडव्याचं खोलीकरण नदीचं खोलीकरण झालं पाहिजे. आणि जे गेट एक खटे उघडू राहिले धरणाचे या गेटचं या काय नाही त्याच्यावर तोडगा काढला पाहिजे की जेणेकरून हे खटे गेट उघडणार नाही आणि शेतकऱ्याचं नुकसान होणार नाही. रामभाऊ भसले येळगाव येथील शेतकरी धरणग्रस्त आहे. मी माझी जमीन जवळपास 5-6 एकर धरणामध्ये गेलेली आहे आणि त्यातून फक्त 24 हार जमीन माझ्या नावावर सध्या आता शिल्लक आहे. समजा हां म्हणजे धरणग्रस्त काय पण मी भूमिहीन झालेलो सारखं समजा. तरी शासनानं काय केलं की आमच्या असं एकंदर आम्ही 40 वर्षापासून धरणासाठी जमिनी ज्या घेतल्या होत्या 1200 एकर जवळपास आमच्या गावाची जमीन गेली. आमचे कास्तकार लोक सगळे भूमिहीन झाले आणि त्यातून जी बाकी शिल्लक राहिली थोडीफार काही 5-5 एकर जमीन शिल्लक राहिली होती ती 40 वर्षापासून आमच्याकडे वैती आहे. वैती आहे असून पुन्हा याच्यावर काय झालं की काही राजकारणी लोकांना त्याच्यावर नानानानी प्राग काही पर्यटनस्थळ कोणतं काही 2007-2008 साली असं आणलं होतं आम्ही हाणून पाडलं होतं. परत आता यावर्षी पुन्हा आणखीन ते त्याला सुरुवात झाली. त्याची मागणी चालू आहे. तरी शासनानं त्याला त्वरित मागणी मंजूर करून निधी देऊ नये अशी आमची शासनाकडंसुद्धा मागणी आहे आणि कोर्ट प्रकरणसुद्धा आमचं सुरू आहे. पार्क व्हायला पाहिजे का? नाही व्हायला नाही पाहिजे. ते जर झालं तर आम्ही उपशी मारणार आहे. उद्या आमचे लेकर बाळा उपशी राहणार आहे. आम्हाला आता आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही. आमच्या कुटुंबाला आम्हाला खायला प्यायला काही मिळणार नाही. आम्ही आता मोलमजुरी करू शकत नाही कारण की वयस्कर लोक झालो आम्ही. आमच्याकडून कोणत्या प्रकारचा आम्हाला सारा नाही. नोकरी नाही काहीच नाही काहीच नाही. आम्हाला स्थानिक आमदार करणार आहे का? स्थानिक आमदाराकडे आम्ही करू शकत नाही कारण की आमदार आमच्या कानावर घ्यायला तयार नाही. आमचा ऐकायला तयार नाही. आमदाराचीच मागणी आहे शासनाकडे की हे प्रकल्पासाठी मला ही जमीन द्या. त्याच्यामुळे आम्ही त्या कारणाने तिकडे जात नाही. मेट्रो भवन में क्वालिटी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया. इस दौरान महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने कहा कि महामेट्रो अपने काम की गुणवत्ता के लिए नागपुर वासियों के बीच जानी जाती है. मेट्रो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस छवि को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. मेट्रो भवन में आयोजित क्वालिटी कॉन्क्लेव 2021 के दौरान महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने अधिकारी सामान्य सलाहकार और उसके ठेकेदारों को संबोधित किया. इस दौरान डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि मेट्रो अधिकारी आसान काम करने के लिए नहीं बल्कि सबसे कठिन काम को पूरा करने के लिए होते हैं. कोई भी आसान काम कर सकता है लेकिन जब आप मुश्किल काम करते हैं तो आपके लिए यह एक पहचान बन जाती है. महामेट्रो अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है और यही इसकी छवि बन गई है. वहीं डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि महामेट्रो के सभी कार्य बेहतरीन गुणवत्ता के हैं. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को गुणवत्ता संबंधी सभी सुझावों को गंभीरता से लेने की सलाह दी. साथ ही उन्होंने उपस्थित मेट्रो अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर जानकारी प्रैक्टिकल होनी चाहिए. जब तक हमें किसी विषय का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक काम को ठीक से नहीं संभाल पाएंगे. सभी ने महामेट्रो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार काम करना जारी रखना होगा. विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर मनपा के गांधीनगर अस्पताल में ब्लड शुगर जाँच शिविर का आयोजन किया गया. इस जाँच शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया. नागपुर मनपा और रोटरी क्लब ऑफ नागपुर वेस्ट रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को मनपा के गांधीनगर स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में निशुल्क ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर का उद्घाटन उपमहापौर मनीषा धावड़े के हाथों किया गया. इस दौरान स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन, धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरनवार, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, अतिरिक्त सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भावना सोनकुसले, इंदिरा गांधी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीलू चिमुरकर आदि उपस्थित थे. इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने निःशुल्क ब्लड शुगर जाँच की. साथ ही इस शिविर में आए सभी लोगों को दिल की बीमारी संबंधित जानकारी दी गई और कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए इस बारे में भी बताया गया. वक्त हो चला है एक ब्रेक का. मिलते छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डागा स्त्री अस्पताल के डे केयर सेंटर द्वारा 10,000 से अधिक सिकल सेल ग्रस्तों का मार्गदर्शन किया गया, तो वहीं उन्हें दवाइयों के बारे में जानकारी भी दी गई। इस सेंटर के जरिए अब तक 2.5 लाख के करीब मरीजों का मार्गदर्शन किया गया है। अप्रैल से अगस्त 2021 तक डागा स्त्री अस्पताल के डे केयर सेंटर द्वारा 10,000 से अधिक सिकल सेल ग्रस्तों का मार्गदर्शन किया गया। वहीं 542 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। 65 मरीजों को राज्य रक्त संक्रमण परिषद के पहचान पत्र दिए गए। सिकल सेल इस दुर्लभ बीमारी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत सिकल सेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम लिया जाता है। डागा शासकीय स्त्री अस्पताल में डे केयर सेंटर मरीजों के इलाज के लिए कार्य करता है। इस सेंटर के जरिए विवाह पूर्व नियमित इलाज, फैमिली प्लानिंग संबंधित जानकारी देकर दवाइयाँ दी जाती है। डागा अस्पताल में डॉक्टर विनीता जैन समेत 2 समुपदेशक के रूप में कार्य करते हैं। वहीं सिकल सेल से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से दवाइयाँ लेनी चाहिए, अपने खान पान का कैसे ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों के बारे में मरीजों का और उनके परिजनों का मार्गदर्शन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने फिर OBC आरक्षण के रद्द होने का कारण राज्य सरकार के उदासीन रवैये को दिया है। आरोप बावनकुले ने एक वीडियो जारी करके दिया है। सर्वोच्च न्यायालय निकाला प्रमाणे राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याकरता इम्पेरिकल डेटा ओबीसी आयोगाने तयार करत आहे। याकरता मनुष्यबळ आणि पैसा 28 जुलैलाच राज्य सरकारला ओबीसी आयोगाने मागितलेला आहे। या प्रस्तावावर मुख्य सचिवांनी सही केली नाही, राज्य मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव चर्चेला आला नाही आणि त्यामुळे प्राध्यापक गोविंदजी काळे आणि प्राध्यापक लक्ष्मणजी हाके, माननीय बबनराव तायवाडी यांनी राज्य सरकार गंभीर नाही, राज्य सरकार हे ओबीसी आरक्षण टाळताय असा आरोप केलेला आहे। आणि ही वस्तुस्थिती आहे, जर राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचं असतं, ओबीसी आरक्षण द्यायचं असतं, तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे कारवाई केली असती। आज 7 महिने होऊनही सरकार कुठलीही कारवाई करत नाही आणि मला असं वाटतं या सरकारचा मधला एक गट हा मुख्य सचिव आणि मंत्रिमंडळावर दबाव ठेवून आहे की ओबीसी आरक्षण होऊ नये। या ओबीसी आरक्षणाला जबाबदार राज्य सरकार आहे आणि प्राध्यापक गोविंदजी काळे आणि प्राध्यापक लक्ष्मणजी हाके यांनी जे मत मांडलं ते योग्य आहे। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नागपुर जिले में स्टेमी प्रकल्प का ऑनलाइन शुभारंभ किया। ग्रामीण परिसर में मरीज को खून ना मिलने से हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत होती है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेमी प्रकल्प की शुरुआत की गई। अब हार्ट पेशेंट को कुछ घंटों में ही इलाज मिलने से उसे जीवनदान मिल पाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि खून ना मिलने की वजह से मरीज की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। ऐसे मरीज के लिए शुरुआत के कुछ घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। मरीज को यदि इसी गोल्डन पीरियड में इलाज मिल गया तो उसकी जान बच जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेमी ST इलेवेशन इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन प्रकल्प शुरू किया गया है। इस प्रकल्प के माध्यम से हार्ट अटैक आए हुए मरीज को गोल्डन आवर्स में इलाज देकर उसे जीवनदान दिया जाएगा। इसी प्रकल्प की शुरुआत उपजिला कामठी अस्पताल में मुंबई से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वर्चुअल उद्घाटन कर की। इस दौरान आयुक्त स्वास्थ्य सेवा तथा अभियान संचालक रामास्वामी N, स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर साधना तायडे, सह संचालक डॉक्टर पद्मजा जोरगेवार समेत शल्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर, डॉक्टर नैना धुमाले उपस्थित थे। ये स्टेमी प्रकल्प पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नांदेड़, अकोला, नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, सोलापुर और वर्धा, इन 10 जिलों में शुरू किया जा रहा है। नागपुर जिले के कामठी, रामटेक उपजिला अस्पताल तो वहीं भिवापुर, हिंगना, काटोल, कुही, नरखेड़, पारशिवनी, उमरेड के ग्रामीण अस्पताल में स्टेमी प्रकल्प की सेवा उपलब्ध रहेगी। स्टेमी प्रकल्प के माध्यम से हार्ट पेशेंट को तुरंत इलाज मिलेगा, जिससे मृत्यु का प्रमाण भी कम होगा, ऐसा विश्वास स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जताया। मानेवाड़ा के बनराई नगर इलाके से 4 पहिया गाड़ी चोरी करने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच के एंटी व्हीकल थेफ्ट दस्ते ने गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे 2 वाहन जब्त किए गए हैं।
पकड़े गए आरोपियों में राणा चौक बगड़गंज निवासी शिवेंद्र श्रीनाथ, ऋतिक मानापुरे कापसी चौक गरोबा मैदान निवासी कुणाल भोयर और राहुल चिकाने का समावेश है। वनराई नगर निवासी लोकेश गबने ने 21 सितंबर की रात अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी घर के सामने पार्क की थी। देर रात अज्ञातों ने वाहन चोरी कर लिया। हुडकेश्वर पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी जांच में जुट गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 70 और निजी संस्थानों में लगे 30 कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज खंगालने पर पुलिस को पता चला कि आरोपी कार में आए थे। पुलिस ने फुटेज का अवलोकन किया तो कार गरोबा मैदान परिसर में जाने का पता चला। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो कार ऋतिक मानापुरे के नाम पर होने की जानकारी मिली। पुलिस ने ऋतिक को उसके घर से हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों की मदद से लोकेश की गाड़ी चोरी करने की कबूली दी। गाड़ी के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि शिवेंद्र गाड़ी बेचने के लिए रीवा मध्य प्रदेश गया है। तुरंत टीम मध्य प्रदेश रवाना हुई। रीवा में जाल बिछा कर शिवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसने गाड़ी के नंबर प्लेट भी बदल दी थी और जो रकम मिल जाए गाड़ी बेचकर लौटने की फिराक में था। पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगर खाने पीने की कोई भी चीज बेच रहे हो तो सावधान हो जाए। आपको उत्पादन, इनवाइस, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का लाइसेंस नंबर 1 अक्टूबर से प्रिंट कराना अनिवार्य हो जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों के बाहर भी लाइसेंस नंबर लिखना होगा। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उसने सभी कारोबारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। सामान्य तौर पर रेस्टोरेंट दुकान से जो खाद्य पदार्थ बिकते हैं उनमें से बहुत से सामानों पर ग्राहक यह नहीं समझ पाते हैं कि अगर माल खराब निकला तो वे शिकायत कहाँ करें। ग्राहकों के अधिकार और मजबूत करने के लिए ही यह अनिवार्यता की जा रही है। इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार ऐसे खाने पीने की वस्तु बेचेगा जिस पर उसके निर्माता कंपनी का भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का पंजीयन नंबर नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। ग्राहक वस्तु खराब निकलते ही भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर उस पंजीयन नंबर को डालकर उसकी शिकायत कर सकेंगे। जिन कारोबारियों की इनवॉइस या अन्य कागजात कंप्यूटर सिस्टम से निकलते हैं उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में संशोधन करना होगा। सरकारी पोर्टल पर यह अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह व्यवस्था इसी सप्ताह शुरू होनी है लेकिन अभी तक चंद बड़े होटल व रेस्टोरेंट को छोड़कर किसी ने इसे लागू नहीं किया है। खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार 1 अक्टूबर से बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे। अगर बिना लाइसेंस नंबर प्रिंट कराए वे माल बेचेंगे और बिल काटेंगे तो कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए 1 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि विक्रेता बिल कैश मेमो में पंजीकरण नंबर अंकित कर रहा है या नहीं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।